मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर एमपी के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले महीने एमपी का बजट आने वाला है। हमने तय किया है कि ये बजट मंत्री अधिकारी तो बनाएंगे, लेकिन इसमें प्रदेश की जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। ये आत्मनिर्भर एमपी के लिए बहुत जरूरी है। MYGOV पोर्टल पर बजट के लिए लोग अपने सुझाव देंगे। हमारी कोशिश है कि ये बजट जनता द्वारा बनाया जाए। ये बजट जनता का बजट होगा और जनता के लिए होगा। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला, हमने फैसला किया है कि बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे। हम तो एक्सरसाइज करेंगे, हम तो पूरा सोच विचार करेंगे, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, उस संबंध में जिसके जो सुझाव हों, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि MyGov पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि हम वर्चुअली भी चर्चा करें लोगों से, लेकिन सबसे चर्चा संभव नहीं होती, इसलिए हम जानते हैं कि संसाधनों की सीमा है। उस सीमा में रहते हुए बजट के बारे में वो जरूर सुझाव दें। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट हो। और कल ही हमने फैसला किया था कि दक्षिण के राज्य, जहां से हमारे यहां मुर्गा मुर्गिया आते हैं, उनको हमने अभी 10 दिन के लिए बैन किया है वहां से ये चिकन या मुर्गा मुर्गी ना आए। हम पूरी तरह से सावधान हैं।